तो आर यू रेडी? यस या नो? ओके, चलिए मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे इंडिया से रिलेटेड जीके टाइप का, ठीक है, जनरल नॉलेज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको नहीं बताया कुछ भी, मैं ऐसे पूछूंगा, जो जिसको पता होगा देखेंगे लास्ट में किसने सबसे ज्यादा आंसर दिए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सोच समझ के बोलना है ना, जिसको अच्छे से आता होगा वो पहले बोलना, ऐसे नहीं कि ऐसे एक दूसरे को सुना तो आप बोल रहे हैं फिर तुम लोग चिल्लाते हो, तो इसे चिल्ला के नहीं बोलना है, जिसको आता है वो बोले, और जो पहले बोलेगा उसका पॉइंट जो वो काउंट होगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बोल दो, बोल जिसको आता है। गुड, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। ये जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो किस स्टेट में है? गुजरात। वेरी गुड, ठीक है, ये तो प्लस पॉइंट मिलता है किसको? आयुष को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी यूटीज इन इंडिया? मतलब कि एट है, एट यूटीज है हमारी। यूटीज का मतलब क्या होता है इंग्लिश, हिंदी में? हिंदी में यूनियन टेरिटरी होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नहीं पता, देखो आपको है कोई? यूनियन क्या हुआ? यूनियन हुआ केंद्र, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। तो आठ यूटीज है हमारी, अभी एक यूटी है हमारी जिसमें दो डिस्ट्रिक्ट थे पहले, अब पांच और नए बनेंगे, लद्दाख में बनेंगे। वेरी गुड, तो लद्दाख की कैपिटल कौन सी है बताओ जरा? कैपिटल ऑफ लद्दाख, खुला ही रखो इसको। लेह, लेह, ले गए को यहाँ पे ले, झूठने वाला है। कब गए ले, कब गई? 2018 में। तू कब गए ले? वो हाँ 2022 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़की बैठ नीचे, हाँ खुले रखो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज कौन सा है? गुड, बहुत तो आता था लेकिन चलो कोई बात नहीं, सबको पॉइंट दे दिया मैंने, ये मतलब कैंसिल हो गया। लाहौल स्पीति इज द ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज। मुझे बताओ कि पॉपुलेशन वाइज कौन है हिमाचल का सबसे? ओ हिमाचल का पूछ रहा हूँ, पहले क्वेश्चन को सुना करो ध्यान से, क्वेश्चन सुना करो पहले। हिमाचल का पूछ रहा हूँ, तो हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट है 12, 12 डिस्ट्रिक्ट में से कौन सी डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ी है पॉपुलेशन वाइज? लड़की सुन ले पहले, कांगड़ा है सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कांगड़ा में है। तो सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे? गुड, लाहौल स्पीति। अच्छा, हमीरपुर में क्या है ऐसी खास बात? एरिया वाइज सबसे छोटा है लेकिन एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है। और एक खास बात है वहाँ पे कि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, सबसे इंटरेस्टिंग बात। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एरिया कम है, लोग ज्यादा हैं वहाँ पे, मतलब एक एक हिमाचल की लिटरेसी रेट कितनी है? लिटरेसी रेट का मतलब है कि 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 90% गलत आंसर है। हाँ, इतने कम कहाँ होंगे? हाँ, सार्थक ने बताया 80%, लेकिन ये अप्रॉक्स है, ये 2011 के अकॉर्डिंग थी हमारी जो पॉपुलेशन, जो हमारी सेंसस हुआ था 2011 में, उसमें 100 में से 80% लगभग 80 point। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नो, मैंने पूछा बड़ी, लंबी नहीं पूछा। नील, नील तो फिर पूरे अर्थ में होगी, मैंने बोला कि थोड़ा सोचो, सुनो सुन लो। तो आपने बोला गंगा, गंगा ठीक है हमारे इंडिया में सबसे लंबी नदी है, लेकिन अगर बड़ी नदी का आ जाए ना, बड़ी का मतलब होता है कि जल घनत्व के हिसाब से, पानी डेंसिटी के हिसाब से, पानी के हिसाब से, तो वो है ब्रह्मपुत्रा। कौन है? ब्रह्मपुत्रा। अच्छा, ब्रह्मपुत्रा जैसे कोई भी नदी होती है ना, वो जा करके समुद्र में मिल जाएगी ना आगे जा करके, जैसे गंगा है वो भी चली जाती है, ब्रह्मपुत्र है, जो भी नदी है वो समुद्रों में चली जाएगी, बड़ी नदी है कोई। तो सुनो, तो मेरा क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ जा करके मिलती है?
नो नो बंगाल की खाड़ी, सुना है नाम, हाँ वे ऑफ बंगाल, तो उसमें मिलती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज। सतलुज, सतलुज। अच्छा चलो हमारे यहाँ का रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं आसपास का। हिमाचल की सबसे बड़ी झील कौन सी? मुझे पता है तुम लोग रिवाल्स बोलेंगे। हाँ रिवाल्स नहीं है, रेणुका, रेणुका है सिरमौर में। ऐसा नहीं कि रिवाल्स नज़दीक है तो ठीक है, गुड नेचुरल लेक है वो। अच्छा मैन मेड कौन सी है फिर सबसे बड़ी? मैन मेड का मतलब है जो हमारे द्वारा बनाई गई है। प्रास से तो इतनी छोटी सी झील है, बिलासपुर में है, हिंट दे दिया मैंने। गोविंद सागर झील, ठीक है काम। क्यों तो हमीरपुर तो जाता है लेकिन उसको तो क्या कहाँ से बताओ, बताया नहीं होगा तो। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हुई हमारे नेचुरल लेक की बात, नेचुरल लेक होगी सबसे बड़ी, तो नेचुरल लेक सबसे छोटी कौन सी है फिर? गुड, नो रिवाल सर का नाम नहीं है, परासर, परासर लड़की, परासर लेक है सबसे छोटी नेचुरल लेक। तो मुझे बताओ कि सबसे छोटी फिर मैनमेड, सबसे बड़ी तो होगी मैनमेड जो हमारे गोविंद सागर झील है। हाँ सुनो पहले क्वेश्चन, सबसे छोटी जो हमारे द्वारा बनाई गई लेक है वो कौन सी है? मतलब हमारे द्वारा ह्यूमन ने कुछ ना कुछ किया होगा वहाँ पे, बनाया होगा कुछ, तब बनी है लेक। पंडो किसने बोला? हाँ पंडो, पंडो एक डैम बनाया है तो उसकी वजह से 14-15 किलोमीटर तक एक लंबी झील बन गई है, तो वो है पंडो झील, वो हमारे द्वारा बनाई गई सबसे छोटी है, सबसे बड़ी तो गोविंद सागर झील है। ठीक है, तो ये बातें आपने याद रखनी है। ओके okay?